सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। पिछले कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे गेस्ट टीचर्स अपनी मांग को लेकर, पॉलिसी जो इनकी मांग है उसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही धरने में ही पेपर चेक करते हुए नजर आए। आपको बताते, विगत 28 फरवरी से गेस्ट टीचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा हो चुका है, जिसको रिन्यू नहीं अब ये पॉलिसी की डिमांड करते हुए नजर आए हैं और अपने काम में पूरा फोकस करते हुए अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीचर्स ने अपना पढ़ाने वाला काम पूरा कर दिया है, अब वो काम रिजल्ट बनाने पे अटका हुआ है। हमें नहीं समझ आ रहा कौन हमारे पक्ष में है कौन विपक्ष में। हम 15 दिन से यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, अपना काम पूरा आज तक हमने 8-10 साल से हम लोग इस जॉब पर हैं, पूरा काम ईमानदारी से करने के बाद हमें किसी भी सरकार ने अभी तक आकर ये आश्वासन नहीं दिया कि हमारी पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने के बाद सिसोदिया सर कह देते हैं कि आप बीजेपी के पास जाइए, LG सर करेंगे। LG सर कहते हैं उन्होंने अभी कैबिनेट नोट हमें अच्छी तरीके से प्रूव करके नहीं दिया। सर हम कहाँ जाएं? हम 22,000 टीचर आज सड़क। तो देखा किस तरह से अपना पढ़ाने वाला काम पूरा करने के बाद अब रिजल्ट पे अटका हुआ है। तो आपको बता दें कि टीचर्स हैं भविष्य के निर्माता हैं, जो बच्चों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको बता दें कि पढ़ाने वाला काम पूरा हो चुका है, लेकिन रिजल्ट का प्रेशर कहें या जिम्मेदारी कहें वो भी बना हुआ है, लेकिन धरने पर ही कॉपी चेक करते हुए नजर आए हैं। पूरा फोकस अपने काम पर, उन बच्चों के भविष्य पर, क्योंकि भविष्य बच्चों के भविष्य से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सरकार को चुभनी चाहिए थी, बीजेपी सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती नजर आ रही है। बशर्ते टीचर्स को रोडों पर, सड़कों पर ही कॉपी चेक करने पड़ रहे हैं, क्या होगा टीचर्स का भविष्य, और ऐसे में बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रह सकता है जब एक टीचर का अपना भविष्य ही सुरक्षित नहीं दिखता नजर आ रहा है। पूरा फोकस लगे हुए हैं उन बच्चों के भविष्य को बनाने में, क्योंकि टीचर्स एक आदर्श होता है, एक भविष्य निर्माता होता है, वो अपने काम में कहीं भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन ऐसे में सरकार को बातें सुननी चाहिए, चाहे विपक्ष की सरकार, बीजेपी की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की, उन बच्चों के साथ तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, और टीचर की तो दूर की बात, कहीं ना कहीं इन नेताओं को भी टीचर्स ने ही बनाया है। तो क्या यही रिजल्ट आया है कि एक नेता को किस तरह के टीचर ने पढ़ाया है कि आज वो उन्हीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में दिख रहे हैं। इस मैसेज को आप अधिक से अधिक पहुंचाइए सरकार तक, चाहे अपोजिट में दिल्ली में बीजेपी की सरकार है जो कि कहीं ना कहीं LG के हाथ में मामला अटका हुआ है, और LG पूरी तरह जो है वो बीजेपी के हाथ में है। तो इस मैसेज को आप इतना फैलाइए, इतना आगे बढ़ाइए ताकि ये मैसेज, ये वीडियो सिसोदिया सरकार या कहें हम बीजेपी या LG तक पहुंच सकें।